अनीता के इंडियन सोई में आज बनेगा, बनाएंगे हम पाउडर, टोमेटो पाउडर, ऑनियन पाउडर, ग्रीन चिल्ली फ्लेक्स, गार्लिक पाउडर। बड़ी आसानी से हम इसको बनाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपके अपने ही चैनल अनीता की इंडियन सोई को सब्सक्राइब करना मत भूलें। गार्लिक पाउडर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लहसुन लिए हैं। लहसुन को अच्छी तरह से हम ऐसे इसकी कलियाँ अलग अलग कर लेंगे। इसको आप चाहे तो छील भी सकते हो, चाहे ऐसे भी आप ग्राइंड कर सकते हो धो के। इसको मैंने अच्छी तरह से धो के पानी निकाल के इसका सुखा लिया। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहे तो नहीं छीलना चाहते तो ऐसे भी आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं। अब इसको ग्राइंड करने के बाद इसी प्लेट में हम इसको फैला लेंगे और फिर कम से कम 3 दिन या 2 दिन की धूप में इसको सुखाएंगे, जब तक कि यह कड़कड़ा सा ना हो जाए, सूख जाए अच्छी तरह से। इसके बाद ऑनियन पाउडर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 3 प्याज लिए हैं। इसको भी हम इस शेप में काट लेंगे ताकि यह जल्दी सूख जाए। इसको भी कम से कम 3 दिन की धूप में हम इसको कड़कड़ी धूप में रखेंगे। जहाँ पर तेज़ धूप आती हो वहाँ आप इसको फैला दीजिए, अच्छी तरह से सूख जाएगा। टोमेटो पाउडर बनाने के लिए भी मैंने 5 टमाटर लिए हैं। इसको ऐसे एक टमाटर के 4-4 टुकड़े कर लेने हैं हमने। उसके बाद इसको किसी पैन में हमने 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसको पकाना है ताकि इसका मॉइस्चर जो है पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, बिल्कुल ड्राई कर लेना है इसको। तकरीबन 3-5 मिनट लग जाते हैं हमारे ऐसा करते करते ना। बाकी आप देख लेना जैसे पानी सूख जाए ना बिल्कुल, बस इस समय हमने गैस बंद कर देना है। इसको प्लेट में फैला लेना है और इसको भी कम से कम मेरे 3 दिन लग गए इसको धूप में ना। मेरे यहाँ थोड़ी धूप अच्छी आती है तो वहाँ मैंने इसको रखा है, तो 3 दिन में अच्छी तरह से ड्राइड हो गए हैं, खुश्क बिल्कुल सूख गए हैं। और ग्रीन चिल्ली फ्लेक्स बनाने के लिए भी यहाँ पर मैंने मिर्च ली है। जितनी चाहे आप जितनी बनाना चाहो उतनी ले सकते हो। मैंने यह 200 ग्राम ली है तकरीबन। अब इसको भी हम अच्छी तरह से वॉश करके सुखा के ग्राइंड कर लेंगे और फिर किसी प्लेट में इसको अच्छी तरह से फैला देंगे। यह भी 2 दिन की धूप में अच्छी तरह से सूख जाती है। अब 2 दिन बाद देखिए मेरी ये मिर्च पूरी तरह सूख गई है। तो यह तो हमारी ग्रीन चिल्ली फ्लेक्स तैयार है। मोटा दरदरा सा पीसा था इसको मैंने, तो यह तो हमारी तैयार है। आप किसी भी इसको कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं, ये 1 साल तक ख़राब नहीं होती बिल्कुल भी। अब हमारे ये लहसुन भी अच्छी तरह से सूख गया है। गार्लिक पाउडर बना लेंगे हम इसको भी ग्राइंड करके। तो यह मेरा गार्लिक पाउडर और ग्रीन चिल्ली फ्लेक्स दोनों ही तैयार हैं। इसको किसी भी आप डिब्बे में डाल के महीनों साल भर तक स्टोर कर सकते हैं, यह बिल्कुल ख़राब नहीं होता। यह टमाटर भी हमारे अच्छी तरह से सूख गए हैं। यह 3 दिन में सूखे हैं मेरे। इसको भी हम ग्राइंड कर लेंगे। यह टमाटर पाउडर भी बन गया है मेरा। ऑनियन भी मेरे 3 दिन में सूखे हैं। ऑनियन भी अब हम इसको भी ग्राइंड कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर होता है इसलिए इसको ना ग्राइंड करते समय थोड़ा सा कम पीसना है हमने। या आप इसमें कॉर्नफ्लोर मिला सकते हैं या अरारोट भी मिला सकते हैं थोड़ा सा। ये ऑनियन पाउडर भी हमारा तैयार हो गया है। तो इस तरह से चारों पाउडर हमने तैयार कर लिए हैं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू जी।